नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल एंस, हमारे खास एपिसोड पार्क स्पेस की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के एपिसोड हमारे क्वेश्चंस पर है और जो कि हमारे व्यूवर्स ने पूछे हुए हैं। तो हमारे व्यूवर्स ने पूछा हुआ है फॉन्ट के बारे में। तो जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा है कि सर हमें फॉन्ट के बारे में बताएं कि फॉन्ट कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए अपने न्यूज़पेपर पर और वो फॉन्ट कौन से होते हैं। तो दोस्तों आज का पूरा एपिसोड आप जरूर अंत तक देखें क्योंकि आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करते हैं वीडियो को तो आप कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिस कर देंगे, तो जिससे आपका हो सकता है कहीं ना कहीं लॉस हो। और इसलिए बिल्कुल भी कोई भी चीज़ स्किप मत किया करें, पूरा वीडियो अंत तक देखा करें। और वीडियो अच्छा लगा करें तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। और आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भैया देर किस बात करनी, नीचे दिए हुए इस तरीके के लाल बटन को दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल एंस को सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन, उसे भी जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी हासिल होते रहे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले कि आपको बता दें कि हमारे एक व्यूवर्स ने पूछा हुआ था कि सर फॉन्ट के बारे में थोड़ा मुझे बताएं कि फॉन्ट हमें कौन सा लेना चाहिए, कौन सा अपने न्यूज़पेपर मैगजीन के लिए यूज़ करना चाहिए और वो फॉन्ट कौन कौन से होते हैं। जी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फॉन्ट दोस्तों दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है फॉन्ट का ट्रू टाइप फॉन्ट, यानी कि TTF फॉन्ट। जी दोस्तों TTF फॉन्ट जो जनरल फॉन्ट होते हैं, जैसे कि आप कुर्तिदेव आप यूज़ कर रहे होते हैं या फिर इंग्लिश के आपका टाइम्स न्यू रोमन हो गया या फिर जो है बाकी आपका एरियल हो गया, एरियल ब्लैक हो गया, तो ये सब आपके जो फॉन्ट होते हैं दोस्तों ये आपके ट्रू टाइप फॉन्ट कहलाते हैं। इनका जो फॉर्मेट होता है, इनका जो एक एक्सटेंशन होता है वो होता है TTF करके। आपने देखा होगा कि आप जब फॉन्ट इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वो TTF फॉन्ट आपका इंस्टॉल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें न्यूज़पेपर पर यूज़ होने वाले फॉन्ट के बारे में तो यहाँ पर होते हैं PS फॉन्ट। जी हाँ दोस्तों, इनका फुल फॉर्म होता है PS, को हम लोग बोलते हैं कि पोस्ट स्क्रिप्ट फॉन्ट। जी हाँ दोस्तों, ये जो है जो डिज़ाइन किए जाते हैं तो ये PS पोस्ट स्क्रिप्ट फॉर्मेट पर ये फॉन्ट होते हैं। और इन फॉन्ट को हम लोग अपने न्यूज़पेपर पर खबरों को लगाने के लिए, खबरों को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और बस फ़ायदा क्या है दोस्तों, अब इनको मैं बता दूं इस PS फॉन्ट में और 22F फॉन्ट में क्या अंतर है। तो 22F फॉन्ट जो ट्रू टाइप फॉन्ट आपके हैं उसमें हम लोग, आपने देखा होगा कि कुर्तिदेव जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे करेक्टर ऐसे हैं कि जो हमें डायरेक्ट कीबोर्ड से नहीं बनते हैं, उनके लिए हम एक कोड का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम कोड लगाने बैठेंगे तब तो हमारा टाइम वेस्टिंग होगी और हो सकता है कि वो चीज़ सही से ना भी आए। और आपको बता दें क्योंकि जो हमारा क्वार्क एक्सप्रेस है वो कुछ चीज़ें को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर हम लोग ट्रू टाइप फॉन्ट ना यूज़ करके PS फॉन्ट को यूज़ कर रहे हैं। और इस PS फॉन्ट में हम आपको बता दें कि यहाँ पर सभी करेक्टर आपके कीबोर्ड से ही बन जाते हैं, आपको कोई भी कोड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम कोई कुर्तिदेव फॉन्ट अगर आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उसकी मात्राएँ अगर आप देखेंगे तो वो करेक्टर से थोड़ा सा हट करके वो मात्राएँ होती हैं, लगती हैं मात्राएँ। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आपका हो गया करा, और आप मान लीजिए कि आप नीचे का रा जो लगाना चाहते हैं आप वो रा हो गया, या फिर ऊपर का जो रा होता है वो लगाना चाहते हैं तो वो रा आपका जो है इसमें थोड़ा सा करेक्टर से हट करके लगता है। और बहुत से ऐसे होते हैं कि जो आधे शब्द होते हैं जो नहीं बनते हैं। और लेकिन ये चीज़ ऐसा पोस्ट स्क्रिप्ट में बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर इस पोस्ट स्क्रिप्ट फॉन्ट में जो है वो आपको सब कुछ एज इट इज़ और एकदम सही सही बनेंगे करेक्टर, और आपके वाक्य जो है वो एकदम सही सही आपके सामने बन करके आएंगे। दोस्तों जो लाइन यहाँ पर आप बनाते हैं, जो लाइन आप खबर की लिखते हैं, तो वो सभी लाइन एकदम परफेक्ट तरीके से लिखी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम कोई किसी भी शॉर्टकट का या फिर किसी भी हम ये कह लें कि किसी भी कोड का यूज़ नहीं करते हैं, सारे के सारे करेक्टर आपके कीबोर्ड से ही बन जाते हैं। और आपको ज़्यादा याद कोड को याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है क्योंकि सभी करेक्टर हमारे यहाँ पर कीबोर्ड से ही बनाए जाते हैं। अब दोस्तों दोनों में फ़ायदा क्या है बस और फ़र्क क्या है, दोस्तों वो हमारा TTF फॉन्ट है और ये हमारा पोस्ट स्क्रिप्ट फॉन्ट है। दोस्तों वो हमारा डायरेक्टली चलता है आपके कीबोर्ड से, आपको किसी भी कीबोर्ड की रन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी ड्राइवर की रन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम यहाँ पोस्ट स्क्रिप्ट फॉन्ट की बात करते हैं तो इस पोस्ट स्क्रिप्ट फॉन्ट को रन कराने के लिए कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है, एक अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद आपको ये पोस्ट स्क्रिप्ट फॉन्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपके पास एक तो पोस्ट स्क्रिप्ट फॉन्ट होने चाहिए, यानी कि आप पोस्ट स्क्रिप्ट फॉन्ट कई नाम से आते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे कि कई लोग जो है चाणक्य को यूज़ करते हैं, कई लोग भास्कर को यूज़ करते हैं, कई लोग आप ये कह लें कि 4C लिपिका को यूज़ करते हैं। तो कई सारी कंपनियां हैं जो अपने फॉन्ट को जो है मार्केट में लेके आई हैं और ये फॉन्ट जो है सभी अखबार के लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अब दोस्तों आप चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं, कंपनियों से ले सकते हैं और आप अपने अखबार के लिए यूज़ कर सकते हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं हम ट्रू टाइप फॉन्ट। तो ट्रू टाइप फॉन्ट हम लोग नहीं चला सकते हैं अपने अखबार में, क्योंकि वहाँ पर मात्राओं का बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाता है और वहाँ पर कई सारे कोड ऐसे होते हैं कि जो हम लोग नहीं याद कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोग नहीं याद कर पाते हैं। और वहाँ पर अखबार बनाने के समय आपको टाइम को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, और अगर बाय द वे हमें कोई चीज़ रह गई हम जो नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वजह से आपका जो टाइम का डिस्टर्बेंस वो हो जाता है और आपका अखबार लेट हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए हम लोग पोस्ट स्क्रिप्ट फॉन्ट को यूज़ करते हैं। पोस्ट स्क्रिप्ट में हमें कंपनी जो है कीबोर्ड का पूरा लेआउट देती है, कौन सा कीवर्ड कहाँ पर है, कौन सा कीवर्ड कैसे बनेगा, और जिसको याद करने के बाद हम लोग जो है अपने सभी खबर को अच्छे से टाइप कर सकते हैं, अपने सभी खबर को अच्छे से न्यूज़पेपर लगा सकते हैं, और मात्राओं का भी इधर उधर खिसकने का कोई भी झंझट नहीं है। वहाँ पर सब कुछ सटीक तरीके से होता है और आप इस फॉन्ट को यूज़ करके अपने न्यूज़पेपर बढ़िया से लगा सकते हैं। दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कुछ और जानना है तो आप तो भी हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके क्वेश्चन का तभी आंसर दे पाएंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। दोस्तों एक बात और, अगर आप अमेजोन से कोई भी चीज़ परचेस करते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजोन का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको उनमें से कोई भी चीज़ उस लिस्ट से कोई भी चीज़ परचेस करना है तो आप हमारे इस लिंक पर जा करके आप परचेस करिएगा, इससे आपको तो कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन हमारे चैनल को थोड़ा सा आपका सहयोग जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ, और बता दें कि अगर अब तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया देर किस बात करनी, नीचे दिए हुए इस तरीके के लाल वाले बटन दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल अलायंस को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि हर वीडियो को आप देख सके, और उसके बगल में अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे भी जरूर दबाया करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचा करे। और आज वीडियो सिर्फ इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, मिलते अपने नए एपिसोड एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।